नमस्कार मित्रों, हनुमान जी महाराज को कष्ट भंजन, संकट मोचन, संकट मोचक और हर प्रकार से संकट को दूर करने वाले देवता माना जाता है। हनुमान जी महाराज भक्त की हर अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, उसके झुके हुए कार्य को बनाते हैं और जीवन में आ रही बाधाओं को, दुविधाओं को, दुखों को वे तुरंत दूर कर देते हैं। व्यक्ति उन कष्टों से छुटकारा पा जाता है जिन कष्टों से वह निरंतर परेशान रहता है। हनुमान जी की उपासना किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू की जा सकती है। हनुमान जी की उपासना के लिए हमें सर्वप्रथम ये चाहिए कि हम लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के मंदिर में अवश्य हर मंगलवार को जाएं और हनुमान जी का पूजन करें। सिंदूर हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है तो सिंदूर का भोग हनुमान जी को अवश्य ही लगाना चाहिए और सिंदूर चढ़ाने के बाद या सिंदूर का लेपन करने के पश्चात में हनुमान जी को धूप दीप अर्पित करना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उसके पश्चात हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करना चाहिए और उससे पूर्व आज मैं आपको आवाहन मंत्र हनुमान जी का बताने जा रहा हूँ, जो कि हर प्रकार से सिद्धिदायक और सुफला सिद्धिदायक माना जाता है, क्योंकि यह वही हनुमान जी का मंत्र है जिसको जाम्बवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत करने के लिए उनको याद दिलाया था, तो इससे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद हो गई थी। इसलिए मंत्र बड़ा ही फलदायी और चमत्कारी है और काफ़ी लोगों को ज्ञात भी है, मगर इसकी ताकत का लोगों को भान नहीं है कि यह मंत्र कितना ताकतवर है। हर प्रकार के संकट की घड़ी में यह मंत्र हमें सहायता प्रदान कर सकता है और तुरंत ही हनुमान जी किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता अवश्य करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए इसे हनुमंत आवाहन मंत्र कहा जाता है। मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली और ताकतवर है और किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी संकट में होने के कारण अगर हम मात्र एक बार भी इस मंत्र को अगर बोलते हैं, अवश्य ही हमें उस संकट से तुरंत रक्षा मिल ही जाती है। हनुमान जी का वह आवाहन मंत्र इस प्रकार है। ओम अतुलित बल धामम हैमशैलावदेहम धनुजवनकशानुम ज्ञान नामम गगनम सकल गुण निधानम वानराणामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस मंत्र की प्रथम बार एक माला मंगलवार को अवश्य करें, जिससे कि मंत्र जागृत हो जाता है। उसके पश्चात में आप किसी भी कार्य में निकलने से पूर्व, घर से बाहर निकलने से पूर्व एक बार इस मंत्र का उच्चारण करके निकलें, आपके कार्य में आ रही बाधा दूर होगी, आपके कोई कार्य में रुकावट नहीं आएगी और हर प्रकार से आपकी सुरक्षा होगी, रक्षा होगी और बाधाएं दूर होगी। और जो व्यक्ति नित्य इस मंत्र की एक माला अगर एक मास तक करता है तो अवश्य ही उसे विशेष संकट से मुक्ति मिलती है और वह हर प्रकार से सुख वैभव प्राप्त करता है। इस मंत्र के जप के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और नित्य किसी भी परिस्थिति के अंदर मानसिक रूप से मात्र इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से, हनुमान जी का ध्यान कर लेने मात्र से अवश्य हमें सुरक्षा मिलती है।